छिंदवाड़ा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए छिंदवाड़ा की जनता सड़कों पर नजर आई। दिव्य कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु पहले दिन कथा सुनने पहुंचे थे। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए नागपुर रोड पर श्रद्धालु की लंबी कतार लगी रही। इस दौरान छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे पर लंबा जाम भी लग रहा है। सिद्ध सिमरिया धाम में आयोजित 3 दिवसीय दिव्य कथा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने आरती व पूजन किया। इस दौरान प्रियनाथ भी उपस्थित रहे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमें मंदिरों में भीड़ चाहिए, सड़क पर तूफान नहीं चाहिए। और छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में आए हैं, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आप ऐसे जिले में आए हैं जिसकी अपनी पहचान है, सही बात है। 40 साल पहले का छिंदवाड़ा, आज का छिंदवाड़ा, आप मेरे गवाह हैं, जो बुजुर्ग है ये सब मेरे गवाह हैं। हमने सबको, मैं कहता हूं एक बात, महाराज जी संसद में बहुत सारे सांसद चुनके जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप वोट से चुनकर आए हैं, आप वोट के कारण यहां बैठे हैं, मैं तो इनके प्यार और विश्वास के कारण यहां बैठा हूं।